हित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद जी उर्फ भालू भाव मिश्रा, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि नागपुर 52 दक्षिण पश्चिम एरिया के जो भाजपा के कैंडिडेट है और भूतपूर्व वो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और अभी वो उप मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ मुझे चुनाव में इन्होंने उतारा है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा मेन मुद्दा अभी है पृथक विदर्भ राज्य का, क्योंकि मैंने आज से 40 साल से लगातार पृथक विदर्भ के लिए संघर्ष किया है और 40 साल से सभी चाहे जो भी पार्टियां हो जिन्होंने विदर्भ का नाम लिया है उनके साथ में मिलकर विदर्भ के कई आंदोलनों में भाग लिए, कई विदर्भ की यात्राएं की है। एक कोई पार्टी ऐसी छुट्टी नहीं है जिनके साथ में हमने विदर्भ की यात्रा न की हो, विदर्भ की आवाज बुलंद न की हो। विरुद्ध परिस्थितियों में भी हमने विदर्भ का नाम लिया है, विदर्भ का आंदोलन किया है, उसकी ज्योत को जलाए रखी है। इसी उद्देश्य को लेकर बालू भाव मेश्राम ने मुझे इस 52 पश्चिम दक्षिण पश्चिम का उम्मीदवार बनाया है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, इस महाराष्ट्र शासन के खिलाफ में। और हमारी यही डिमांड रहेगी कि भाई जितनी जल्दी विदर्भ राज्य हो जाए उतनी जल्दी ही विदर्भवादियों का भला होगा, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र के साथ में रहकर विदर्भ कभी पनप नहीं सकता, ये इतिहास गवाह है। 100 सालों से ऊपर हो गए हैं विदर्भ की डिमांड करते करते, मगर विदर्भ इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विधायकों की जो संख्या है विधानसभा में वो पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा रहती है। इसलिए ये विधायक जो भी जब भी आता है विधानसभा में वो एक प्रकार से गिर जाता है वो। और कुछ हमारे यहाँ के विदर्भ के जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता है, उन्होंने विदर्भ को अलग करने का वादा किया, यहाँ तक कि हमारे जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ देवेंद्र जी फडणवीस के क्षेत्र से, उन्होंने शादी के पहले विदर्भवादियों को ये वचन दिया था कि मैं अगर आप हमको जीता कर दोगे तो मैं मेरी शादी नहीं करूंगा जब तक कि विदर्भ राज्य न मिल जाए। मगर आप सबने देखा है, पूरे विदर्भ ने देखा है कि क्या हाल किया इन्होंने, अपने वचन को तोड़ते हुए उन्होंने विदर्भ राज्य अलग नहीं किया, अपनी शादी कर ली और मौज कर रहे हैं और विदर्भ को मांग को कचरे के डब्बे में डाल दिया। आज की तारीख में महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री ने और युती सरकार ने जिस प्रकार से लाडली बहना नामक जो योजना लागू की वो एक प्रकार से जनता के साथ में छलावा है वो, क्योंकि लाडली बहना के नाम पर ये भले ही 8-10 हजार रुपए दे देंगे जब तक के चुनाव है तब तक के, वोट के लिए ये सब योजनाएं ला रहे हैं अभी, लाडली बहना, लाडला भाऊ, अभी तो वो बच्चों के नाम से भी ये योजना लेके आ रहे हैं, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने घोषणा कर दी कि उनके लिए भी योजना है। तो ये इस प्रकार से 10-10, 20-20 हजार अभी बांट देंगे और तुरंत ये जनता से वसूली चालू कर दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने लाडली बहना के पैसे दिए तो तुरंत इन्होंने 500 से लेकर 700 रुपए तेल के डब्बों पर बढ़ा दिया है। ये कुछ किसके जेब से जा रहा है पैसा, ये जनता के जेब से ही जा रहा है, लाडली बहना के जेब से ही जा रहा है, क्योंकि हमारी जो लाडली बहना योजना इन्होंने बनाई है हमारी माता बहनों के लिए बनाई है और माता बहनों पर ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी होती है, घर का पूरा मेंटेनेंस जो करना पड़ता है हमारी माता बहनों को करना पड़ता है। आज सभी बहनों के जवान पे एक ही बात है कि ये सरकार सिर्फ वोट के लिए ये योजना चला रही है और जिस दिन ये सरकार चली जाएगी उस दिन ये योजना भी बंद हो जाएगी, ये पक्की बात है, ये सभी हमारी माता बहनों के जवान पे ये चर्चा है। मगर वो कहते हैं कि भाई ठीक है जन सरकार दे रही है ना ले लो, मगर भुगतना हमको ही है, ये आज हर माता बहनों को अच्छे से मालूम है, हर बहनों को मालूम है। इसके विरुद्ध भी हमने आज ये एल्गार पुकारा है हमारी देश जनहित पार्टी ने, अलग से विदर्भ डिमांड है आपकी कि और भी कोई मुद्दे है जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए हमारा सबसे बड़ा फोकस है पृथक विदर्भ राज्य का ही, क्योंकि हर समस्या का हल सिर्फ विदर्भ राज्य से, अलग विदर्भ राज्य होने से ही होगा, क्योंकि आज हमने देख लिया है कि केंद्र सरकार ने जितने भी नए नए छोटे राज्य बनाए किस तेजी से वे प्रगति कर रहे हैं, किस तेजी से उनका विकास हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे तो ज्यादा हमारा विदर्भ प्रदेश डेवलप है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। हम तो यह कहते हैं सरकार से कि सरकार कहती है ना कि भाई आप विदर्भवादी अगर अलग विदर्भ मांगोगे तो आप भूखे मरोगे, तो भाई आप हमारी चिंता क्यों करते हो, हमको आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। और ये हम आपको वादा करते हैं आम जनता से कि विदर्भ
सिर्फ बिजली के भरोसे ही सरप्लस राज्य बन सकता है, बाकी हर चीजें तो गौण है। जिसमें तो आपने बोला है कि लाड़की बहन योजना जो है, देवेंद्र भाव ने लाड़की बहन लाया, ऊपर से दीक्षा भूमि को नीति दिया है, किसी समाज को नीति दिया है अलर्ट करने के लिए, हॉल बना के दिए, समाज भवन बना के दिए, तो ये क्या सब वोट बटोरने के चक्कर के लिए किया कि क्या? बिल्कुल सही बात है ये, उन्होंने आज तक क्यों नहीं ऐसी योजनाएं लाई है, जबकि ये लाड़की बहन योजना एमपी में बहुत पहले से चालू हो गई थी और उनकी नकल मारकर ही इन्होंने ये योजना महाराष्ट्र में लाई है। ये सिर्फ जनता को छलने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जिस दिन सरकार चुन के आ जाएगी उस दिन लाड़की बहना नहीं है और कोई बहना नहीं है इनके लिए और ना कोई भाई। इस विभाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के एरिया में आरोग्य, स्वच्छता और रोजगार की क्या स्थिति? हाँ देखिए, उनके क्षेत्र में ही सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है। आप देखते हो, हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके चैनल वाले लोग हो, आप मीडिया वाले हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, हमसे ज्यादा आपको मालूम है। और हमारी यही है कि आज जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतने गुनाह बढ़ रहे हैं, कई हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े हमले हुए हैं, पेपरों में आते हैं हरदम, और गंदगी का साम्राज्य है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था का नहीं है, हर तरह से परेशान है जनता, तो उस क्षेत्र में ही मुझे इसलिए दी गई टिकट है कि हमारी पार्टी की आवाज बुलंद करे और हमारे जो कार्य है वो जनता के सामने रखे। और देश हित जनहित पार्टी का हमेशा से यही कार्य रहा है कि आम पब्लिक के लिए ही हमको काम करना है।